प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक की पथिक नामक कविता करवाते हैं। तो इसका पहले प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग एक की पथिक नामक कविता में से संकलित हैं। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति का मनोहर वर्णन किया है, प्रकृति के मनोहरी रूप का चित्रण या वर्णन किया है। तो इसके माध्यम से देखिए कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है। इसमें प्रति अक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला, रवि के सुमुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। यहाँ कवि समुद्र के किनारे खड़ा होकर प्रकृति के सौंदर्य का अवलोकन करता है या उसको निहार रहा है, देख रहा है। क्या कहता है? नभ में वारिद माला, आकाश में बादलों की पंक्ति रूपी माला। नभ माने आकाश में, वारिद माला बादलों की पंक्ति रूपी माला। प्रति अक्षण हर पल, नूतन माने नया वेश बना करके रूप धारण करती है। कवि कहता है कि आकाश में बादलों की पंक्ति रूपी माला हर पल नया रूप धारण करती है। रंग बिरंगा निराला, ये बादलों की पंक्ति रूपी माला रंग बिरंगा रूप अनोखा रूप धारण करके, रंग बिरंगा अनेक रंगों का अद्भुत रूप धारण करके रवि के सम्मुख सूर्य के सामने थिरक रही है, नाच रही है। कौन? बादलों की यह पंक्ति रंग बिरंगा अद्भुत रूप धारण करके सूर्य के सामने नाच रही है, यानी कवि को यह प्रकृति का दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन। कवि कहता है बादलों की पंक्ति रूपी जो माला है या बादलों की पंक्ति जो रंग बिरंगा रूप धारण करती है, तो कवि कहता है इसके ऊपर क्या है? रंग बिरंगा अनेक रंगों का जो रूप धारण करने वाले बादलों की जो पंक्ति है उसके ऊपर क्या है? नीला आसमान है। नीचे नील समुद्र मनोहर और नीचे मन को हरने वाला नीला समुद्र है। घन पर बैठ बीच में बिचरू यही चाहता मन है। कवि कहता है कि मेरा मन ऐसा करता है, घन माने बादलों पर बैठकर कवि कहता है इस प्रकृति के दृश्य को देखने के लिए घन पर बादल पर बैठ करके यानी बादलों पर मैं बैठ करके बीच में विचरूं मध्य में विचरण करूं यही चाहता मन है। मेरा मन यह चाहता है कि मैं बादलों पर बैठ करके बीच में विचरण करूं, ऊपर आसमान नीचे धरती इनके बीच में मैं, यानी बादलों से ऊपर आसमान है बादलों से नीचे पृथ्वी है, इन दोनों के बीच में मैं बादलों के ऊपर बैठकर विचरण करता रहूं, मेरा मन ऐसा करता है। प्रसंग में आया, यहाँ इसके माध्यम से कवि ने भी प्रकृति का वर्णन किया है, प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। रत्नाकर गर्जन करता है, कवि कहता है रत्नों से भरपूर सागर, यानी सागर के अंदर अनेक रत्न होते हैं, रत्नों से भरपूर सागर गर्जन करता है। मल्यानील बहता है, यानी मल्य पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित वायु बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि हे प्रियतम, यह प्रकृति का दृश्य हर समय मेरे हृदय में साहस उत्पन्न करता रहता है। हे प्रिय, यानी सागर की गर्जना और मल्य पर्वत से बहने वाली शीतल सुगंधित वायु हे प्रिय हर समय मेरे हृदय में साहस उत्पन्न करती रहती है। ऐसा करने के लिए इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्ना करके घर में, कवि कहता है इस विशाल बहुत दूर दूर तक विस्तार लिए हुए महिमा से युक्त रत्ना करके सागर के घर के महिमा से युक्त रत्ना कर सागर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर करके, कि मेरी इच्छा है, मेरे मन में ऐसा इच्छा उत्पन्न होती है
कि मैं रत्ना करके लहरों पर बैठकर। कवि कहता है कि इस विशाल और बहुत दूर तक विस्तार लिए हुए महिमा से युक्त सागर की लहरों पर बैठ करके और रत्ना करके घर के प्रत्येक कोने के दृश्य को मैं निहारूं देखूं और जी भर करके मैं उसके प्रत्येक कोने को निहारता रहूं, ऐसा मेरा मन करता है। लाइन संग में आई होगी। तो इसके माध्यम से कवि ने प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। भाषा सहज सल खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली, प्रसाद गुण शांत रस है।